सभी का स्वागत है भागवतम क्लास में। हम लोग पांच बातें ऐसे डिस्कस करेंगे जो जन्माष्टमी में हमें काम आएंगे, ठीक है, जिसमें से तीन या दो मैं अभी बताऊंगा, बाकी दो आने वाली क्लास में। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में तीसरे अध्याय में सभी अवतारों का स्रोत बताया गया है। कृष्ण को क्या बताया गया है? हाँ, वो श्लोक हम लोग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माता जी दे दीजिए, तो मेरे पीछे दोहराएंगे, शायद मोबाइल ने टीवी से दुश्मनी कर ली है। ये है 1328, कितना है 28, ठीक है, मेरे पीछे बोल रहे हैं एते चा अंश कलापंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रिया अरि व्याकुलम लोके मंडयति युगे युगे एते च अंशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोके मृण्यन्ति युगे युगे एते च अंशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रिया वैकुलं लोके मंडयन्ति युगे युगे एते च अंशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि वैकुलं लोके मृणयन्ति युगे युगे। तात्पर्य श्री रूपपाद और श्री रूपपाद की उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक कोट करते हैं, जब भगवान के सारे अवतारों का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, तो भगवान के तो अनंत कोटि अवतार हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? मगर सुखदेव गोस्वामी हमें मुख्य अवतारों की क्या देते हैं, सूचना देते हैं। 24 अवतार में इसमें भगवान का 22 अर्थ रहता है। भगवान का कौन सा अवतार रहता है? कृष्णा का कौन सा रहता है? 22। कृष्ण के बाद बुद्धा, बुद्धा के बाद कल्कि, ठीक है। 21 वाला अवतार रहता है बलराम का, जो हमने कल बलराम पूर्णिमा मनाई थी, कल प्रोजी ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया होगा। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो चीज़ों को हमें समझना है, ठीक है। तो जन्माष्टमी आ रही है, तो हम लोगों को पांच बातें ध्यान रखनी है, जो कि कृष्ण से हमें क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। तो अवतारों की बात हो रही है, तो हम हर किसी को अवतार नहीं मानते, क्या नहीं मानते, हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे बाबा जी अवतार हैं, ये वाले भगवान अवतार हैं, फलाना व्यक्ति अवतार है, तो हम किसी को अवतार नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसका वर्णन वैदिक शास्त्रों में या प्रमाणिक शास्त्रों में नहीं दिया। आप खुद का बना लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कोई ग्रंथ बना लो और उसमें अपने अवतारों की चर्चा करो, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर दिक्कत ये है कि जब हम लोग वैदिक शास्त्रों को अध्ययन करते हैं और हम लोग प्रमाणिक शास्त्रों को देखते हैं, तो उसमें जो अवतार का वर्णन है, हम उसी को क्या करते हैं, हाँ। अब ये बताते हैं कि 24 अवतार जो हैं भगवान ने इस
ब्रह्मांड में लिए हैं। किस ब्रह्मांड में लिए हैं? जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो भगवान ने अलग अलग ब्रह्मांडों में भी अलग अलग अवतार लिए होंगे, ठीक है। मगर हमें जो 24 अवतारों की सूचना मिलती है, वो इस ब्रह्मांड के अवतारों की सूचना मिलती है। तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भगवान ने 24 अवतार लिए होंगे और इसके अलावा कोई और अवतार, ठीक है, मुख्य लिए होंगे। मगर जो अवतार का वर्णन इसमें है, कुछ और अवतार अलग से हो सकते हैं, उनका भी वर्णन शास्त्रों में होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया होगा, भगवान 6 तरह के अवतार लेते हैं। कितने तरह के अवतार लेते हैं? 6 तरह के अवतार, जिसमें भगवान गुणावतार लेते हैं, लीला अवतार लेते हैं, पुरुषावतार लेते हैं, युगावतार लेते हैं, ठीक है। तो ये अवतार भगवान के सूचितबद्ध हैं, क्या है, लिस्टेड है कि ये अवतार भगवान लेंगे ही लेंगे। मगर कल को कोई फलाना व्यक्ति आके कह देगा कि आई एम गॉड, तो भैया आपका लिस्ट इसमें नहीं है, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इस इन इन किताबी बातों में मेरे अवतार का वर्णन नहीं होगा, मेरे अवतार का वर्णन तो जो मैं किताब दे रहा हूँ उसके अंदर होगा। तो वही वहाँ पर फिलॉसफी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्योंकि तो वेद व्यास जी ने सारे वैदिक शास्त्रों को छांट कर श्रीमद् भागवतम को सार के रूप में दिया है, और ये हमें पता रहना चाहिए, ठीक है, कि तो भगवान क्या रहते हैं, भगवान के ये अवतार प्रमुख हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो प्रपात का प्रपट बहुत बड़ा है, इस श्लोक में प्रपात का प्रपट क्या है, बहुत बड़ा है, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा जितनी मेरी बुद्धि है। तो 5 बातें जो थी उनमें से मैं 2 या 3 मैक्सिमम आप लोगों से डिस्कस करूंगा, अगर कल क्लास हुई तो फिर हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे। तो पहला है कृष्ण से कनेक्ट होने का, दिस जन्माष्टमी कनेक्ट होने का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट तत्व, क्या जानना है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युगेति तत्व। ये जो श्लोक है ये तत्व बताता है, जो मैं श्लोक डिसाइड करा है 1.3.23, ये श्लोक क्या बताता है, तत्व बताता है। एते चा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान क्या, क्योंकि बाकी सारे अवतार क्या हो सकते हैं, अंश हो सकते हैं, कला हो सकते हैं। अंश क्या होता है, अंश होता है जैसे मेरा पार्ट ये अंश हो गया, मेरा पार्ट निकाला मैंने, अवतार लिया, तो ये क्या हो गया, अंश हो गया। तो ये भगवान का क्या हो गया, स्वांश, क्या हो गया, हाँ। मगर स्वांश ने भी कोई अंश प्रकट कर दिया, उसको क्या कहते हैं, कला, उसको क्या कहते हैं, कला। वो डायरेक्ट नहीं निकला मुझसे, मगर मेरे अंश से क्या निकला, एक और अंश निकला, उसको क्या कहते हैं, कला। तो ऐसे भगवान ने क्या ले रखा है, अवतार ले रखे, या तो स्वांश ले रखा है, जैसे राम है वो स्वयं है, भगवान क्या है, स्वयं है। मगर जो दूसरा अवतार है, हंस अवतार है, पृथ्वी महाराज है, हाँ है, हाँ ये नहीं, वो तो डायरेक्ट है। तो जैसे पृथ्वी महाराज है, जैसे परशुराम जी हैं, और जैसे वेद व्यास जी हैं, ये भगवान के क्या हैं, अंश के कला, उनके अंदर वो क्या है, हाँ अंश कला। तो कुछ भगवान के अंश हैं, भगवान के कुछ कलाएं हैं, तो इसलिए बोला गया। जैसे आप पीछे आगे इस श्लोक को नोट कर लो और श्रीमद् भागवत में पीछे पढ़ते चले जाओगे ना, तो भगवान के सारे अवतारों का क्या है, वर्णन है, वरा अवतार का, नरसिंह, एक एक श्लोक में कि 24वां अवतार ये है, 18वां अवतार ये है, 19वां अवतार ये है, ठीक है। जैसे बलराम जी क्या होंगे, अरे कांश होंगे, कला होंगे, अंश क्या है, कृष्णस्तु। मगर ये सारे अंश और कला होने पर भी भगवान भगवान ही रहते हैं, भगवान क्या रहते हैं, इसलिए ये श्लोक को याद करना है कि कृष्णस्तु भगवान से। होंगे बहुत सारे अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कूर्म अवतार, हंस अवतार, मत्स्य अवतार होंगे, मगर कृष्ण क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान स्वयं। इसलिए कृष्ण को अवतार नहीं कहते, कृष्ण को क्या नहीं कहते, ये कौन है, अवतारी है। कृष्ण कौन है, कृष्ण किसी का अवतार नहीं है, सारे उनसे प्रकट हुए, कभी वो भी प्रकट हो जाते हैं, इस बीच में क्या होते हैं, वो भी प्रकट हो जाते हैं, और वो नंबर पर 22वें नंबर पे, ठीक है। तो इसलिए वेद इसमें जीव गोस्वामी का एक प्रपद वो कहते हैं कि जीव गोस्वामी के कथा अनुसार यह शास्त्र सम्मत है कि कृष्ण भगवान तथा अन्य अवतारों के उद्गम है,
ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत रूप से निहित हैं। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि उनके ना समान है ना उनसे कोई बढ़कर। इस श्लोक में स्वयं शब्द का अर्थ इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतार को उनके कार्यों का कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। डायरेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि हु इज गॉड। इसलिए बाहर के लोगों को फाइंड करना है हु इज गॉड। बाहर के लोगों को ये जानने की कोशिश करनी है हु इज गॉड। बाहर के लोग कोशिश करेंगे यार भगवान कौन है, कैसे हैं, कहां पर है, ये किसकी कौन करेंगे खोज। बाहर के लोगों के लिए क्वेश्चन है कौन सा हु इज गॉड, और भक्तों के लिए क्वेश्चन है कि हाउ इज कृष्णा गॉड। भक्तों के लिए क्वेश्चन क्या है, भगवान कृष्ण भगवान कैसे है। सारे गोस्वामी भगवान की लीलाओं को, भगवान के रस को, भगवान के तत्व को, भगवान के विज्ञान को क्या कर रहे, समझा रहे तत्व से, यह हमारे समझने के लिए। पहले बाहर वाले डिसाइड करेंगे कि भगवान कौन है, तब वो उस कॉन्क्लूजन पे आएंगे कि कौन भगवान है। मगर भक्तों के बीच में क्या होगा कि कृष्ण भगवान है मगर कैसे भगवान है, कृष्ण भगवान है कैसे भगवान है। तो ये लोग भक्तों को पता करना बहुत जरूरी है। इसलिए बोला जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्। तो पहली चीज जो हम लोगों को समझनी है, कृष्ण कॉन्शियस में आकर आ गए हैं तो हमें तत्व समझना जरूरी है। और ये श्लोक और श्रीमद् भागवतम के श्लोक भगवान के इस चीज को क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, इस चीज के बारे में बताते हैं कि भगवान का तत्व क्या, भगवान की पोजीशन क्या है। अब हम किसी को तत्व क्लियर नहीं है तो क्या मानता है, वो ये धारणा मानता है कि सारे भगवान एक ही हैं। वो नाराज करना नहीं चाहता किसी को, सबको खुश करना चाहता है, क्योंकि उसको तत्व, वो डरता है कि अगर मैंने भगवान की ज़्यादा वर्शिप कर दी तो दूसरे बुरा मान लेंगे, या मैंने दूसरों की वर्शिप ज़्यादा कर ली तो भगवान बुरा मान लेंगे। क्योंकि जिसको ये तत्व क्लियर नहीं रहता उसके एक्शन ऐसे रहते हैं। आप समझ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते, किसी को नाराज नहीं करते। क्यों, क्योंकि उनको तत्व क्लियर है, और जब तक तत्व क्लियर नहीं होगा तब तक भगवान के पास वो जा नहीं पाएंगे। यही डर में जीते रहेंगे, अगर मैंने इसको वर्शिप कर दी, अगर मैंने कृष्ण कॉन्शियस में आ गई या आ गया, तो अगर मैंने इस भगवान को छोड़ दिया तो मुझे क्या हो जा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मैं क्यों, क्योंकि उसने तत्व से समझा नहीं। कृष्ण तो भगवान से हमें डरने की क्या जरूरत है, जिसको ये तत्व समझ में आ गया उसको डरने की आवश्यकता ही नहीं। उसको पता है कि सारी चीज़ें भगवान को सपोर्ट करने के लिए, किस लिए है, भगवान को सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्णा कॉन्शियस में आके जितनी जल्दी हो सके क्या करना है, तत्व क्लियर करना है। नहीं करेंगे तत्व क्लियर, समझेंगे नहीं विज्ञान को, साइंस ऑफ गॉड को नहीं समझेंगे, जानने का प्रयास नहीं करें, तो हमारी वही श्रद्धा रहेगी जो हम पहले आए थे कृष्णा कॉन्शियस में, और अभी भी वही श्रद्धा रहेगी 5 साल बाद जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में हैं। आने पर भी वही श्रद्धा और रहने पर भी वही श्रद्धा है, तो व्हाट इज द डिफरेंट। तत्व तो क्लियर नहीं हुआ, अभी भी हमें डर लगता है दूसरे देवी देवताओं से, डर लगता है क्योंकि भगवान को भी हमने एक ऐसे देवी देवता क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया, ऐड कर लिया अपनी एक लिस्ट में, भगवान को भी स्वीकार। बस थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लेते हैं इनके, क्या कर लेते हैं, थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ी झूलन यात्रा है तो थोड़ा झूला झुला देते हैं, पुरुषोत्तम आस थोड़ा सा वर्तने। इसलिए हमारे भक्तों के बीच में भी कुछ कौन है, कर्मकांडी भक्त हैं, क्या है, कर्मकांडी भक्त भी हैं। भक्ति के अंदर भी क्या है, वो कर्मकांडी हैं। कैसे कर्मकांडी हैं, पुरुषोत्तम मास आएगा सुबह जल्दी उठेंगे, माला ज़्यादा करेंगे, व्रत करेंगे, तुलसी में जल देंगे, ये कर्मकांडी है। ये भक्त होते हुए भी क्या है, ये कर्म, क्या बाकी दिन में क्या फ़ायदा नहीं मिलेगा, बाकी दिन में तुलसी महारानी मना करते कि नहीं मैं कृपा नहीं दूंगी। अब कार्तिक आ जाएगा, लोगों के अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी, लोग नियम बना लेंगे सुबह जल्दी उठने का, तुलसी में जल देने का, माला ज़्यादा बढ़ाने का, शास्त्र पढ़ने, क्यों, बाकी दिन में क्या भगवान भगवान नहीं है। जन्माष्टमी आते ही लोगों के अंदर भाव हो जाएगा, वही मंदिर जाना है, वीआईपी कार्ड मिलेगा, वीआईपी कार्ड दे दो दर्शन करने, क्यों भगवान जन्माष्टमी, आप आज जाओ आज तो खाली होगा पूरा मंदिर, आज दर्शन करो जाके, कोई दिक्कत है,
नहीं, हमें जन्माष्टमी वाले दिन। तो कर्म भक्ति में आने पर भी लोग क्या रहते हैं, कर्मकांडी। कर्मकांडी क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको तत्व क्लियर नहीं रहता। हम दिया दिखाते हैं भगवान को, तो डेली दिया दिखाते हैं, डेली आरती होती है, मगर कर्मकांडी भक्त लोग सोचते हैं चलो दिखा देते हैं स्पेशल दिन। तो हमें तत्व को मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी स्टेज पर जाए हमें क्लियर करते रहना है। हमें समझना है कि हम लोग वास्तविकता में भक्ति का पर्पस क्या है। भक्ति का पर्पस कुछ स्पेसिफिक दिन में परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं है। भक्ति का पर्पस जो है हाँ स्पेशल दिन में परफॉर्म, भक्ति का पर्पस यह है कि हमारे सारे दिन स्पेशल होने चाहिए। आई बात समझ में? ये तो वो बन गया थोड़ा सा, एक तुक बन गया ना कि भक्ति जो है स्पेशल डे में परफॉर्म करने के लिए नहीं है, भक्ति सारे डे को स्पेशल करने के लिए है। इसलिए जो हमें नियम कानून बताए गए हैं कृष्णा कॉन्शियस के अंदर, ये हैप्पी डे है, कृष्णा कॉन्शियस डे है, सारे दिन फेस्टिवल है। आप परफॉर्म करो उतने ही उत्साह से, उतने ही लगन से, आपके अंदर हमेशा उत्साह बना रहेगा भक्ति की सेवा करने। नहीं करेंगे क्योंकि तत्व क्लियर नहीं है। तत्व को क्लियर होने पर हम कृष्ण की पोजीशन समझ जाएंगे, अपनी पोजीशन समझ जाएंगे, प्रकृति की पोजीशन समझ जाएंगे, करना क्या है, सारे देवी देवता। तो हमें किससे डर लगेगा? नहीं लगेगा हमें, ना शिव जी डर लगेगा, ना दुर्गा जी से, ना हनुमान जी से, ना गणेश जी से। अब देखो गणेश चतुर्थी आ रही है, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा के और मुड़ जाएंगे थोड़े दिन, फिर थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा श्राद्ध पितृ वितृ पूजा कर देंगे, फिर नवरात्र के और मुड़ जाएंगे। क्या हो रहा है? ये तो वही बात है कि व्यक्ति वही वाला है कि व्यक्ति ने यहाँ से 34 बस पकड़ी, फिर वहाँ पर कुतुब मीनार उतर गया, फिर वहाँ से 717 पकड़ी, फिर वो छतरपुर चला गया, वहाँ से वो बस पकड़ी, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चलता। यस या नो? यार एक बस पकड़ लो सीधा चले जाओ ना। यस या नो? डेस्टिनेशन क्या है? आपको भगवत धाम जाना है, एक बस पकड़ो कृष्णा कॉन्शियस के बैक टू गॉड हेड, चेंज करने की नौबत ही नहीं है। मगर क्या हो रहा है, लोग यहाँ से ई रिक्शा पकड़ेंगे, टोटो पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे, घूमते फिरते क्या जाएंगे, तो अब भगवत धाम जाएंगे पता नहीं, फिर कहेंगे सारे रास्ते तो एक ही जगह जाते हैं, फिर तुम जा क्यों रहे हो अलग जब लोग कहते हैं कि सारे रास्ते एक जगह ही जा रहे, तो तुमने अलग रास्ता क्यों चूज किया हुआ है? जब भगवान कह रहे मत्ता प्रदत्तनान्न किंचित अस्ति धनंजया, तो जब मेरे से बढ़कर या मेरे से ऊपर कोई स्रोत या श्रेष्ठ सत्य है नहीं, तो और चीजों की खोजबीन क्यों चल रही है? तो इसे गोस्वामी ने स्ट्रेस दिया है कि हम लोग कृष्ण को ही, कृष्ण भगवान क्यों है गोस्वामी ने। अब इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पांच, जो मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, ये गोस्वामी को पांच प्रोजेक्ट दिए थे चैतन्य महाप्रभु ने कि कृष्ण की क्या करो, पोजिशन क्लियर करो, वैदिक शास्त्रों को लिखो, शास्त्र लिखो, वैदिक शास्त्रों का शोध लिखो, और कृष्ण की पोजीशन क्या करो कि बाहर वालों को पता चलेगा कब कि भगवान कौन है, मगर हमें पता लगना चाहिए कि भगवान कृष्ण क्यों कृष्ण है। इसलिए बोला जाता है नाना शास्त्र विचारणे का निपुणो सद्धर्म संतापक। नाना शास्त्रों को विचार किया उन्होंने और हमें क्या दे दिया उन्होंने, क्रीम दे दिया। गाय देखी, गाय घास खाती है मगर क्या देती है, दूध देती है। सारी चीजों को बीन के एक मिल्क दे दिया, ये लो ये पॉट पियो, इससे आपको आप एनर्जाइज हो जाओ। हमारे पास क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं। इसलिए जो अभी की क्लास है ये डिवोटीज के लिए कि हमें स्ट्रेस देना है कि अपनी कृष्णा कॉन्शियस तत्व फिलोसफी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, नहीं तो बाद में अटकने वाली बात हो जाए कि यार कुंडी अटक गई यहाँ पर, हमने तो हमें तो पता ही नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी फिलोसफी को समझते, क्योंकि हमारे आचार्यों ने, गोस्वामीज ने, क्योंकि आपको भगवान को समझना है तो परंपरा का सहारा लेना पड़ेगा। ये आपको पहली बात आपको, मगर परंपरा का सहारा लेना पड़ेगा तो आपको सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी, सीढ़ी होती ना हमारी, सीढ़ी चढ़ने के लिए पहला स्टेप तो उठाना पड़ेगा। यस या नो? तो पहला स्टेप है तत्व क्लियर करने के लिए प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद ने वो सीढ़ी का हमें पहला स्टेप दे दिया। प्रभुपाद को स्टेप पे चढ़ेंगे, बाकी सारे परंपरा के आचार्यों को हम लोग समझ, क्योंकि प्रभुपाद ने सारे आचार्यों की कमेंट्रीज को अपनी बुक्स में, श्रीमद् भागवतम पढ़ो अच्छे तरीके से, भगवत गीता पढ़ो, शास्त्रों को सुनो, सुनने मात्र से भी बहुत क्लियर हो जाता है। वैदिक शास्त्रों को सुनने से, प्रमाणिक स्रोत को सुनने से भी क्या हो जाता है, काफी हद तक सुन। देखो अगर हम पढ़ नहीं सकते ना तो हम ना श्रवण स्ट्रांग बना ले,
अगर हम लोग पढ़ नहीं सकते तो सब, क्योंकि एक बार सुना हुआ ही पढ़ने में आएगा। जैसे मैं पहले कोशिश करता यार ये प्रभु जी इतने श्लोक कोट करते हैं, ये वाली बात यहाँ से आती, जब पढ़ते तो वाली बात कहाँ मिलती है? उसी शास्त्र में मिलती है, भगवत गीता में मिलती है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि प्रभुपाद बताते हैं कि जड़ में पानी देने से पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, ये शास्त्र भागवतम में लिखा हुआ है। भागवतम में कहता है कि सिंचन को करेंगे, नारद मुनि बताते हैं पेड़ के उसमें देंगे जड़ में पानी तो पत्तियां क्या हो जाएंगी, हरी भरी हो जाएंगी। हाँ नहीं, ये कोट, ये जो एग्जाम्पल है ये भागवतम के श्लोक का है, परपट में प्रपद एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी भी तात्पर्य में, मगर ये जो एग्जाम्पल है ना ये भागवतम का एक श्लोक है। जैसे कहते हैं भगवान कृष्ण की जो शरण लेता है उसके लिए ये भव सागर गाय के बछड़े के खुर के समान हो जाता पार करना, ये श्लोक है। ये एग्जाम्पल जो है वो क्या है भागवतम में, आपने प्रमाणिक शास्त्रों से, प्रमाणिक सोच से सुन लिया तो आपको प्रमाणिक शास्त्रों में ही मिलेगा वो। प्रमाणिक शास्त्रों से सुना नहीं पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहली जो कृष्ण कॉन्शियस कनेक्शन है, रिमेम्बरेंस है, वो हमें कृष्ण के लिए जागृति क्या करनी है, तत्व। ये तत्व हमेशा समझने का प्रयास करें, नहीं आता समझ में पढ़ो। जैसे कि हमारे प्रपाद ने और हमारे इस्कॉन सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सत्य, ये सब समझने का क्या, ये तत्व को समझाने का, क्या हमें थोड़ा थोड़ा क्या आ जाए, तत्व समझ में आ जाए। बुक्स को पढ़ के समझा के एग्जाम लेकर के आ जाए, तत्व समझ में आ जाए, गुरु तत्व समझ में आ जाए, कृष्ण तत्व समझ में आ जाए, राधा तत्व समझ में आ जाए, ये सारे तत्वों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप रहेंगे समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझने का प्रयास कर तो कोई दुनिया में शक्ति नहीं है कि आपको समझा दे, ऐसी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है कि जो आपको समझे, क्योंकि आपकी इच्छा हो ही नहीं रही समझने की तो कहाँ से समझेंगे। इसलिए लोगों के वो बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आते। एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, अगर भगवान हमारे अंदर है तो हम भगवान की पूजा बाहर क्यों करें? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा डाउट है। यस या नो, भगवान अगर हमारे अंदर है तो हम भगवान की पूजा बाहर क्यों कर रहे हैं, अंदर ही घुमा दे तिलक यहाँ लाल। अब आंसर दो इसका मुझे, आप दो राजकुमारी माता जी, अगर अंदर भगवान नहीं है, खाली एक खोखा है। अंदर भगवान है ये समझ लेना, समझना क्या है ही वो, बस रिलैक्स नहीं हो। चलो बताओ, अरे भगवान मन में नहीं, भगवान स्वयं अंदर बैठे हुए हैं, ये तो है ना, अंदर भगवान है, सही क्वेश्चन है नहीं है, भगवान अंदर बैठे हैं, परमात्मा रूप में है, उपदक्षिण हनुमंत भगवान उपदृष्टा है, देखते हैं, ऑब्जर्वर ओवरसियर है, हनुमंता परमिशन करते हैं, भगवान अंदर है, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं है। भगवान हमारे अंदर है तो हम भगवान की पूजा बाहर क्यों करते हैं? फिजिकल सेवा बाहर हो सकती है, राइट। ये चलो सर, तो अंदर नहीं हो सकती, चलो आप कोई बताओ। नीलम माता जी, ठीक है हर्षिता माता जी, हाँ हमने अभी तक रियलाइज ही नहीं किया, ये है इसका आंसर। रियलाइज कर जाओगे तो क्या है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। भगवान जब रिलैक्स हो जाएंगे तो ऑलरेडी भगवान हर जगह दिखाई देंगे ना, अभी हमारी स्थिति है नहीं, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस बाहर से करें ताकि वो चीज़ कहाँ जाए, अंदर जाए। इसलिए बोला जाता है कृष्णा कॉन्शियस इज द प्रोसेस ऑफ इनर इंजीनियरिंग, अंदर का प्रोसेस है, मगर एक्शन कहाँ से जाएगा, सप्लाई बाहर से अंदर जाएगी तभी तो स्ट्रांग बनेंगे। इनटेक कहाँ से होगा,
बाहर से होगा ना, तभी पोषण क्या मिलेगा। आप भारी कचरा खा रहे हो और अंदर क्या होगा, पोषण आ जाएगा, अंदर पोषण आ जाएगा। बाहर कचरा खा रहे हो आप और सोचो अंदर तंदुरुस्त, आप अंदर चीजों को रिलायंस नहीं कर पाओगे जब तक बाहर का सिस्टम आपका क्या नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। आपका मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा, जपा अच्छा नहीं होगा, शास्त्रों का अध्ययन अच्छा नहीं होगा, भक्तों का संग अच्छा नहीं होगा, तो आप अंदर भगवान को रिलाइज नहीं कर पाओगे। दम लगा लेना चाहे कितना भी। इसलिए लोग आलसी व्यक्ति सोचते मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे मन चंगा बाद में होगा, पहले आप कटौती में पहले नहाओ तो। मन चंगा इतनी जल्दी थोड़े ना हो जाएगा। आलसी व्यक्ति का यही नारा है कि मन साफ है, मन साफ चुटकियों का खेल थोड़ी ना है कि कोई आपको झाड़ू वो कोई आप पे छड़ी घुमाए आपका मन साफ हो जाए। करोड़ों जन्मों भी लग जाएगा तब भी मन साफ नहीं होगा, इतना गंदा है। क्योंकि अंदर चीजें रियलाइज नहीं, इसलिए हम लोग बाहर चीजें क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ताकि यही बाहर की चीज क्या जाए, अंदर जाए। इसे सेकंड थिंग इज कनेक्शन टू कृष्णा, रिमेंबर टू कृष्णा, सदाचार। क्या है? फर्स्ट थिंग इज तत्व, सेकंड इज सदाचार। जब तक आप हायर पर्पस के लिए एक्शन नहीं करोगे, तब तक जो बाहर की सारी चीजें आपके लिए खोखली हैं। सपोज दैट आपने भगवान को डेकोरेट किया, अगर आपने एक सही मूड से डेकोरेट नहीं किया तो वो चीज आपके अंदर नहीं जाएगी। आपने भगवान के लिए कीर्तन किया, आपने अगर सही मूड से नहीं किया, सदाचार, सदाचार का मतलब थोड़ा एक हायर पर्पस जो है, हायर पर्पस के लिए आपने क्या एक्शन किया। हायर पर्पस है कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भक्ति क्या है, हायर पर्पस है, उच्च गोल है, हाईएस्ट गोल है, उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया, दैट एक्शन कॉल्ड सदाचार। यस, वैष्णव एटिकेट वी डिस्कस, व्हाई वी आर इन वेयरिंग धोती कुर्ता, क्योंकि हायर पर्पस के लिए हम लोग यहाँ सर्व करने आ रहे हैं, तभी धोती कुर्ता जरूरी है। नहीं तो कह रहे ये भारी चीजों की आवश्यकता नहीं है, मन साफ होना चाहिए। एक कह सकते हैं ना, निक्कर में आ जाते हैं, पैंट शर्ट में आ जाते हैं, ट्राउजर में आ जाते हैं, टी शर्ट में आ जाते हैं, लगाओ मन, नहा धो के आके तिलक ला के वेस्टर्न ड्रेस पहन के, एक ऑटोमेटिक ही अट्रैक्शन कनेक्शन भगवान की ओर। यस या नो? तभी हम लोग शुद्धि की प्रोसेस है। वैष्णव एटिकेट में क्या है, प्यूरिफिकेशन है। वैष्णव एटिकेट में क्या है, प्यूरिफिकेशन है। हमारे तन का प्यूरिफिकेशन, हमारे मन का प्यूरिफिकेशन, हमारे धन का प्यूरिफिकेशन, हर प्यूरिफिकेशन है। जैसे कि हम लोग ऑल्टर में जाते हैं, जैसे मतलब मंदिर में विग्रह में जाते हैं, गर्भगृह में जाने से पहले आचमन करते हैं। क्या करते हैं? आचमन क्या है, शुद्धि करने वाला है। जैसे मैंने इनको बताया था, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ये प्रोसेस नहीं है। शुद्धि कर रहे हैं आप पानी को देख के, बोलो ओम केशवाय नमः। किसको देखकर? ये जल को देखकर बोलो। जल आपने लिया हाथ में, आपने उससे डाला, चम्मच से डाला, उसका एक चम्मच का भी नाम है, उससे डाला आपने, आपने क्या लिया, पहले सिप कर लिया, फिर बोल रहे हैं आप, उसका कोई प्रभाव नहीं है। जल को देखकर आपको क्या बोलना है, नहीं तो आप एक गिलास पानी ही पी लो, तीन बूंद क्यों पी रहे हो। यस या नो? सिर्फ पीना ही एक प्रोसेस नहीं है कि हमने पी लिया तो हम शुद्ध हो गए। जब वो पानी आपके हाथ में है और आपने उसको शुद्ध कर, उसको आपने क्या कर लिया, मंत्र से एक्टिवेट कर लिया, इसे कहते हैं अभिमंत्रित। जल को क्या कर लिया, तब आप पियेंगे ओम केशवाय नमः, पहले बोल दिया पियेंगे, तो ये मंत्र आपको क्या करेगा, शुद्ध करेगा। एडिकेट आपने हायर पर्पस के लिए गोल को क्या करा, कभी तामझाम होते हैं, दंडवत प्रणाम करना, ये प्रणाम करना भगवान को, तब वैष्णव से हम है ना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचे न सो पाके चा पंडिता समदर्शन। पंडिता समदर्शन क्यों है भाई वो, क्योंकि उसके पास हायर गोल है, उसके पास जो विद्या है वो हायर गोल के लिए है। नहीं तो विद्या तो सबके पास ही है, डिग्रियां तो सबके पास ही है, तो सबको ही बन रहे विनर, क्योंकि उनकी विद्या हायर गोल के लिए नहीं है। इसलिए मैं इस्कॉन सोसाइटी को, जो मैं बहुत जो शुरू के दिनों में बहुत बहुत कनेक्टेड फील करता था, मतलब अभी भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग हैं,
मतलब मोस्टली जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे तरह के भक्त हैं, ऐसा नहीं है, मगर पढ़े लिखे लोगों ने अपना गोल भी भगवान को बना लिया। ये चीज मुझे अट्रैक्ट थी शुरू में, मतलब जब मैं स्कूल डेज में था, कि आपका जो एजुकेशन है, विद्या, वो हायर पर्पस, आपका एक्शन क्या है हायर पर्पस के लिए। आपका अगर एक्शन हायर पर्पस के लिए नहीं है तो आप हर किसी को उड़ाते रहोगे और आप कभी कृष्ण से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। हम भगवान को समय क्यों दें, हम सेवा में समय क्यों दें? दैट थर्ड इज द सेवा। भगवान क्या आ जाता है? सेवा। क्योंकि आपका एक्शन कहाँ पर दिखेगा पता है? सेवा में। आप घर में लेकर झोली बैठ जाओगे तब तक आपका वैष्णव टिकट नहीं दिखेगा। माला लेके बैठ जाओ घर में, माला लेके कोने में बैठ जाओ, माला लेके मंदिर चले जाओ, वृंदावन धाम चले जाओ, आपका वैष्णव टिकट। मगर जब आप सेवा में अवतार लेंगे, सेवा में अवतरित होंगे, जब सेवा में एंगेज होंगे, तब आपका वैष्णव टिकट दिखेगा कि आपके अंदर विनम्रता कितनी है, तब आपके अंदर सहिष्णुता कितनी है, आपके अंदर दया भाव कितना है, आपके अंदर त्याग कितना है। अरे बात समझ में। जैसे कल एक इंसिडेंट था, मुझे ऐसी आ रही थी ऑल्टर में, तो 21 कलश थे, लास्ट में भगवान को कलश अभिषेक करते हैं, तो उसके अंदर तो बहुत सारे ब्रह्मचारी थे, तो सारे एक एक कलश, तो रसा पूजी सर्वे पूजी मेरे पीछे खड़े थे, मैं तो सारे कलश थे, तो पहले मैं सोचा रसा पूजी दे, तो प्रभु जी को एक डिवोटी ने दे दें हो गया, तो मैंने दो कलश उठा लिए, पीछे देखा तो सर्वे पूजी थे, तो मैंने कहा प्रभु जी को एक, मैंने सर्वे पूजी को एक कलश दे दिया, फिर ने कहा ये स्मार्टनेस है, अगर एक कलश होता तो त्याग करना मुश्किल हो जाता। मैंने तो उठाई लिए थे कि एक किसी को दे दूंगा तो एक रहे। तो एक जस्ट जोक था, है ना, समझ जाओगे जिसको समझ, है ना, जिसको समझ में आ गया होगा। तो सेवा करेंगे ना तो आपका माइंड चलेगा, सेवा करेंगे, सेवा नहीं करोगे, क्योंकि ये जो जगह है, ये मंदिर जो है, ये एम्बेसीज बोली है फुपात में, क्या बोली है? एम्बेसीज मतलब जो दूसरे देश की एक एक उसका क्या होता है, एक ऑफिस होता है, ताकि जहाँ दूसरे देश में जाना है तो उस ऑफिस में जाके आप वीजा अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे कि भैया, तो बताएं, तो एम्बेसीज जो होती हैं वो आपको बताएंगे कि वहां पर क्या क्या आपको नियम का पालन, धाम जा, जब तक एम्बेसीज नहीं जाओगे तब तक आप धाम नहीं जा। आप हाँ अलकायदा बन जाओ वो अलग चीज है, आतंकवादी बन जाओ अलग चीज है, घुसपैठिया बन जाओ अलग चीज है, मगर एक प्रॉपर वे में जाने के लिए आपको एम्बेसीज में जाना पड़े। इसलिए बोलते हैं कि मंदिर आना जरूरी है, मगर मंदिर आने जरूरी से था कि मंदिर आकर करते क्या, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मंदिर तो बहुत लोग आते हैं, जन्माष्टमी में मीटिंग हो रही थी, कितने 10 लाख लोग आएंगे, 10 लाख क्या भक्त बन जाएंगे? उन 10 लाखों को संभालने के लिए 300 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि भैया ये सेवा आप करना, ये सेवा आप करना, ये सेवा आप करना, प्लीज प्लीज ये सेवा आप कर लेना, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक वो है, वर्ल्ड है, तो आध्यात्मिक वर्ल्ड में होता क्या है ये आपको समझना। इसलिए यहाँ सेवा की आवश्यकता है, मंदिरों की आवश्यकता है, सेंटर की आवश्यकता है, उनसे जुड़कर हम लोगों को पता चलेगा कि आध्यात्मिक जगत में करना क्या होता है भाई, वहां जाके करना क्या होता है। इसलिए सेवा का पर्पस कभी भूलना नहीं चाहिए। आपका आना उतना ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप आके करते क्या हो। जब आप चीजों को तत्व से समझ गए तो उसको एक्शन में उतारोगे, उसे कहते हैं सदाचार। जब सदाचार को एक्शन में उतारोगे उसको क्या कहते हैं? सेवा। जब आप पूरी विनम्रता के साथ, पूरे सहिष्णुता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ भगवान की सेवा करेंगे, तो आगे दो और स्टेप हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्यों नहीं हमारी कृष्णा कॉन्शियस जागृत, क्यों नहीं हमारे कनेक्शन फील होगा, क्यों नहीं हम भगवान से और क्लोज कर पाएंगे? क्योंकि हम ये चीज़ों को क्या करें, फॉलो करें, और जब फॉलो करेंगे तो हमें वास्तव में लाभ पहुँचेगा। है प्रैक्टिकल चीजें, उसको उतारना है। इसलिए भगवान कृष्ण तो भगवान स्वयं है, ये हमें प्रूफ कर दिया है हमारे आचार्यों ने, बस हमें आगे के स्टेप उठाने। ठीक है, किसी को